हिंदी सिनेमा के इतिहास में कई बेहतरीन कलाकार आए और चले गए, पर एक कलाकार ऐसे भी आए जिसने फिल्म इंडस्ट्री का चेहरा बदल दिया। उनके अदाकारी से एक्टिंग की नई परिभाषा का जन्म हुआ। उस महान शख्स ने यह साबित कर दिया कि सुपरस्टार भी किसी को कहा जा सकता है। दिलीप कुमार वो महान एक्टर हैं जिन्हें इंट्रोडक्शन की बिल्कुल जरूरत नहीं है। दिलीप कुमार उर्फ यूसुफ खान का जन्म 11 दिसंबर 1922 को पेशावर में हुआ, जो कि आज पाकिस्तान का हिस्सा है। जानकर आपको हैरानी होगी, हिंदी सिनेमा के शोमैन राज कपूर और दिलीप साहब बचपन के दोस्त थे। दोनों ने एक ही स्कूल में पढ़ाई भी की थी। 17 साल में पिताजी के साथ लड़ाई हुई और वो पुणे आ गए। पुणे आने के बाद उन्होंने एक कैंटीन के बाहर सैंडविच स्टॉल लगाया और कमाना शुरू कर दिया। जब ये काम शुरू किया तब उन्होंने किसी को बताया नहीं कि वो अमीर घराने से आए हैं। उनके पिताजी का व्यापार केंद्र पेशावर और दियोली हुआ करता था। उस वक्त की महान एक्ट्रेस और बॉम्बे टॉकीज की मालकिन देविका रानी की नज़र दिलीप साहब पर पड़ी। उनकी उर्दू और इंग्लिश की समझ देखकर देविका रानी ने दिलीप साहब को बॉम्बे टॉकीज में स्क्रिप्ट राइटर के तौर पर रखा। देविका रानी के कहने पर उन्होंने फौर की फिल्म ज्वार भाटा में पहली बार एक्टिंग की। साथ ही उन्होंने अपना नाम यूसुफ खान से बदलकर दिलीप कुमार कर लिया। नाम बदलने की सलाह उन्हें देविका रानी ने ही दी थी। शायद ये गलती हो सकती है, पर एक वक्त ऐसा भी आया था जब उन्हें हॉलीवुड की फिल्म ऑफर हुई थी और दिलीप साहब ने उस फिल्म में काम करने से मना कर दिया। फिल्म का नाम था लॉर्ड ऑफ अरेबिया और इसी फिल्म को 3 में सबसे ज्यादा ऑस्कर अवार्ड मिले थे और जिस कैरेक्टर के लिए डायरेक्टर डेविड लीन ने दिलीप कुमार को कंसीडर किया था, उस कैरेक्टर के लिए भी बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का नॉमिनेशन मिला था। इंडिया में फिल्म फेयर की शुरुआत 56 में हुई और दिलीप कुमार पहले एक्टर थे जिन्हें सबसे पहली बार फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया। ये अवार्ड उन्हें टीटू की सुपरहिट फिल्म दाग के लिए मिला। फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर अवार्ड 7 बार जिसने हासिल किया वो भी दिलीप कुमार ही हैं। ये रिकॉर्ड महानायक अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान से भी नहीं टूटा है। 15 में दिलीप कुमार अकेले एक्टर थे जो सबसे ज्यादा फीस लेते थे। बताया जाता है कि वो करीब करीब 1 लाख लेते थे। अगर इनकी तुलना आज की जाए तो 50 करोड़ लेने वाले एक्टिंग के गॉड यानी कि रजनीकांत से तुलना हो सकती है। 50 में उन्हें ट्रेजेडी किंग कहा जाने लगा और दिलीप साहब के डिप्रेशन के पीछे भी यही वजह थी। दिलीप कुमार अशोक कुमार को अपना गुरु मानते थे। एक इंटरव्यू में दिलीप साहब ने कहा था कि तुम नेचुरल एक्टिंग किया करो। जब ऑल इंडिया सुपरस्टार राजेश खन्ना की एंट्री हुई तब दिलीप साहब की फिल्में फ्लॉप होने लगी थी, इसलिए उन्होंने 5 साल तक कोई काम नहीं किया। पर उनकी कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जब वन में उन्होंने एंट्री ली तो एक बार फिर से अपना जादू पेश कर दिया, पर इस बार दिलीप साहब ने सिर्फ कैरेक्टर रोल निभाने शुरू किए थे। क्रांति, शक्ति मशाल, धर्म अधिकारी, कानून अपना अपना सौदागर, किला, ये वो फिल्में हैं जिनमें दिलीप साहब ने कैरेक्टर रोल निभाया और आज भी ये फिल्में टीवी पर चलाई जाती हैं तो लोग बड़े ही प्यार से देखते हैं। सुनकर आप हैरान हो जाएंगे, पर दिलीप साहब ने एक इंडियन एक्टर के रूप में सबसे ज्यादा अवार्ड जीतने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। ऐतिहासिक फिल्म मुगले आजम दिलीप कुमार की आज तक की सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म है। हालांकि 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड आशा भोसले, कुमार सानू, समीर अंजान, ऋतिक रोशन, सुनील दत्त, जगदीश राज ने भी बनाया है। फिल्म राम और श्याम में डबल रोल कैरेक्टर का इतिहास बदल दिया। इस फिल्म में दिलीप साहब ने डबल रोल कैरेक्टर निभाया था। कहानी ये थी, राम और श्याम नाम के जुड़वा भाई हैं जो बचपन में ही अलग हो जाते हैं और बड़े होने के बाद मिल जाते हैं। हिंदी सिनेमा में ये प्लॉट आज भी यूज किया जाता है। दिलीप साहब की पर्सनल लाइफ की बात की जाए तो सबको पता ही होगा कि उनका पहला प्यार मधुबाला थी। इन दोनों की लव स्टोरी 7 साल तक चली और एक दौर ऐसा भी आया जब एक साथ सेट पर होते हुए भी दोनों एक दूसरे से बात नहीं किया करते थे। मुगले आजम की शूटिंग के वक्त डायरेक्टर के आसिफ दोनों को बहुत समझाते थे, पर दोनों ने एक साथ न रहने का फैसला ले लिया था। इस फिल्म में जो सबसे रोमांटिक सीन है वो इसी हालात में शूट हुआ था। मधुबाला से अलग होने के बाद दिलीप साहब की जिंदगी में सायरा बानो आई और 66 में उन्होंने शादी कर ली। उस वक्त सायरा बानो की उम्र 22 साल की थी और दिलीप साहब 44 साल के थे।
कहा जाता है कि वन में उन्होंने इसलिए दूसरी शादी कर ली क्योंकि उन्हें सायरा से बच्चा नसीब नहीं हुआ, पर दूसरी शादी करने के बाद भी उन्हें बच्चे का सुख प्राप्त न हो सका। फिर 2 साल बाद वह वापस सायरा बानो के पास आ गए। दिलीप साहब की एक गलती पर सायरा बानो ने माफ कर दिया। फिल्म इंडस्ट्री को महत्वपूर्ण योगदान देने वाले दिलीप साहब को भारत सरकार ने वन में पद्मश्री से सम्मानित किया। 2015 में पद्म विभूषण से नवाजा गया। 8 बार फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर अवार्ड जीतने वाले दिलीप साहब को फिल्म फेयर द्वारा 3 में लाइफटाइम अचीवमेंट से भी नवाजा गया। उसके बाद फौर में दादा साहेब फाल्के अवार्ड ने दिलीप साहब पर 4 चांद लगा दिए। ये फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है और उसी साल पाकिस्तान ने अपने देश का सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार निशान इम्तियाज से दिलीप साहब को सम्मानित किया। 2000 से 2006 के बीच वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहे हैं। एक्टिंग की दुनिया में पहला कदम फोर्ड की फिल्म ज्वार भाटा से रखने वाले दिलीप साहब की आखिरी फिल्म किला साबित हुई, जो 2008 में रिलीज हुई थी। दिलीप साहब वो अभिनेता हैं जिन्हें फिल्म इंडस्ट्री आज भी याद करती है और आगे भी याद करती रहेगी। हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा।